हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माय फोटोग्राफी चैनल में। दोस्तों आज हम देखेंगे रॉ और जेपीजी में एक्चुअली क्या फर्क है और रॉ इमेज एक जेपीजी इमेज से कितनी बेहतर होती है, तो इसके बारे में आज हम बातें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों रॉ इमेज एक ऐसी इमेज है जो हमारा डीएसएलआर कैमरा फोटो लेने के बाद कैमरे का जो सेंसर होता है वो सारी इंफॉर्मेशन सभी डिटेल्स को कलेक्ट करके एक फाइल में सेव कर देता है और वो सारी इंफॉर्मेशन अनकॉम्प्रेस और अनप्रोसेस होती है। दूसरी बात, इस फाइल की साइज 20 MB से लेकर 40 MB तक होती है और इस फाइल को हम हमारे डीएसएलआर कैमरे में आसानी से देख सकते हैं, लेकिन उसे कॉपी करने के बाद कैमरा कंप्यूटर लैपटॉप पे नहीं देख पाते। उसे हमें देखने के लिए या फिर उसे प्रोसेस करने के लिए हर एक डीएसएलआर कंपनियां कुछ अपने सॉफ्टवेयर हमें यूज करने को देती है। जैसे कैनन का जो डीएसएलआर है उनका एक सॉफ्टवेयर है डिजिटल फोटो प्रोफेशनल, और जो निकॉन यूजर है उनके लिए View NX2 जैसे सॉफ्टवेयर उन्होंने दिए हैं। और अगर दूसरे सॉफ्टवेयर की बात करें तो जैसे कि Adobe का Lightroom है, Adobe का Photoshop है, Raw फिल्टर है, तो इससे हम Raw इमेजेस को प्रोसेस करके उसे JPG, TIFF, PNG में फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम उसे यूज में ले सकते हैं। रॉ इमेज एक्चुअली ये एक डिजिटल तरह की एक नेगेटिव होती है, उसे प्रोसेस करना ही पड़ता है। जो भी कमर्शियल वर्क करते हैं या जो प्रोफेशनल है उन्हें इस फॉर्मेट को हर बार यूज करना ही चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि पोस्ट प्रोसेसिंग करते समय हमें पता चलता है कि उस टाइम पे शूट करते वक्त हमसे कुछ गलतियां हो गई है, जैसे कि व्हाइट बैलेंस या फिर पिक्चर स्टाइल, इन सभी को अगर हमसे कुछ गलतियां हो गई, इन सभी को इस रॉ इमेज में हम करेक्ट कर सकते हैं। और तो और इस इमेज में हम शार्पनिंग, कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस, शैडोज के हाई शैडोज और हाईलाइट के डिटेल्स भी हम कम ज्यादा कर सकते हैं। जेपेग इमेज एक सर्वसाधारण फाइल फॉर्मेट है, इसे एक ऐसा फॉर्मेट है इसे प्रोसेसिंग की कोई जरूरत नहीं होती, इसे हम तुरंत देख पाते हैं और इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। डीएसएलआर में फोटो लेने के बाद वो डीएसएलआर उस इमेज में से सारा अनवांटेड डाटा निकाल के उसे उस इमेज को तुरंत प्रोसेस करने के बाद हमें एक फाइल देता है, उसे हम जेपेग बोलते हैं। उस फाइल की साइज 5 MB से लेकर 7 MB 10 MB तक होती है। ये फाइल फॉर्मेट इतना आसान है कि इसे कोई प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं होती, इसकी वजह से हम इसे अपने लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर मोबाइल में आसानी से देख पाते हैं। इसकी क्वालिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसके डीएसएलआर में फाइन, नॉर्मल और बेसिक, इसके तीन टाइप होते हैं। तो सवाल ये आता है कि अभी हम रॉ इमेज में शूट करें या जेपीजी में, तो उसके कुछ डिफरेंसेस है उसमें। पहले हम देखते हैं उसके फायदे, तो जेपीजी के फायदे पहले हम देखते हैं। पहला फायदा यह है कि जेपीजी को प्रोसेस करने के लिए कोई खास ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं लगता, आसानी से हम उसे देख पाते हैं। दूसरा फायदा यह है कि डीएसएलआर में फोटो लेने के बाद उसमें तुरंत प्रोसेसिंग की जाती है और उसी टाइम पे हमें फाइनल रिजल्ट मिल जाता है। तीसरा फायदा यह है कि इसे बर्स्ट मोड में आप यूज कर सकते हैं। और चौथा फायदा यह है कि इसकी फाइल साइज कम होने के कारण स्टोरेज की कोई भी प्रॉब्लम आती नहीं। अभी हम देखते हैं रॉ इमेजेस के फायदे। रॉ इमेज में अगर हम फोटो शूट करते हैं तो रॉ फाइल में हमें कलर की जो रेंज रहती है, कलर की जो मात्रा है वो हमें बहुत ज्यादा मिलती है। इससे हम क्या कर सकते हैं कि क्रिएटिव वर्क बहुत कर सकते हैं। और दूसरा फायदा हम देख सकते हैं कि इसमें 2 स्टॉप का एक्सपोजर हमें मिल जाता है, जिससे हम उस इमेज में से शैडोज हाईलाइट को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तीसरा फायदा यह है कि इस इमेज में फाइल की जो साइज है वो ज्यादा होने के कारण इसमें ज्यादा डाटा रिकॉर्ड होता है, और ज्यादा डाटा होने के कारण हम इस इमेज को बहुत ही लार्ज फॉर्मेट में प्रिंट करवा सकते हैं। और चौथा फायदा यह है कि रॉ इमेज में हमें हाई डायनेमिक रेंज मिल जाती है। तो अब आते हैं नुकसान। नुकसान मतलब कुछ कमियां है
जो जेपीजी और रॉ में होती है। तो अगर डीएसएलआर में हम जेपीजी इमेज शूट करते हैं तो उसके क्या नुकसान है, ये पहले हम देखते हैं। सबसे पहले ये है कि उसे डीएसएलआर में तुरंत प्रोसेस किया जाता है, तो इससे क्या होता है कि सारी डिटेल्स गायब हो जाती है। दूसरा नुकसान ये है कि अगर आपकी इमेज में ज्यादा शार्पनेस आ गई है तो आप उसे एडिटिंग में ज्यादातर कम नहीं कर सकते। तीसरा नुकसान ये है कि अगर आपकी इमेज अंडर या ओवर एक्सपोज हो गई तो आप उसे रिकवर नहीं कर सकते हैं। चौथा नुकसान यह है कि जेपीजी में अगर नॉइज आ गया तो उसे रिडक्शन करने के लिए बहुत से लिमिटेशन आते हैं। और पांचवा नुकसान यह है कि इसमें जो डायनेमिक रेंज है वह हमें बहुत कम मिलती है। तो अभी आते हैं रॉ इमेज में फोटो शूट करने के क्या नुकसान है। तो सबसे पहले यह है कि रॉ इमेज में अगर हम फोटो शूट करते हैं तो उस इमेज को प्रोसेस करना ही पड़ता है, उसे हम तुरंत यूज में नहीं ला सकते हैं। दूसरा नुकसान यह है कि रॉ इमेज को प्रोसेस करने के लिए सॉफ्टवेयर की हेल्प लेनी ही पड़ती है, जैसे मैंने अभी बताया कैनन का डिजिटल फोटो प्रोफेशनल, निकॉन का व्यू NX2 और एडोबी का फोटोशॉप, लाइटरूम, इस तरह के बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर, उनकी हेल्प लेनी ही पड़ती है, उसके सिवाय आप प्रोसेस नहीं कर सकते। तीसरा नुकसान यह है कि इसकी फाइल साइज बहुत बड़ी होती है, इसकी वजह से इसे हमें सेव करने के लिए ज्यादा स्टोरेज का मेमोरी कार्ड या फिर ज्यादा की हार्ड डिस्क हमारे पीसी या लैपटॉप में होनी चाहिए। और सबसे लास्ट वाला नुकसान ये है कि इसे हम बर्स्ट मोड में यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें हमारा कैमरा बफर करने लगता है। तो दोस्तों बस ये थे रॉ इमेज और जेपीजी इमेज में शूट करने के डिफरेंसेस। तो मेरा सुझाव यह है दोस्तों कि अगर आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर है तो आप रॉ में ही शूट किया करो, अगर आप बिगिनर फोटोग्राफर है तो आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप भी रॉ इमेज में शूट करना चालू कर देंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और नीचे सब्सक्राइब का जो बटन है लाल कलर का उसे क्लिक करो और ऊपर जो ऑल का जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक करो, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोस आपको जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिले। अगर आपके पास रॉ और जेपीजी इमेज के बारे में कुछ भी सवाल है तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।